ऐसे कैसे छुट्टी कर सकते? मम्मा अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, बाजी उधर का व्यू। हाँ भाई गाइस, यहाँ का व्यूज चेक करें भाई, हमजा का व्यूज चेक करें। सामने बर्फ है और हमजा जो है यहाँ पर है। हमजा कैसे लगा यहाँ पर आके आपको? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर नेट भी नहीं है, मज़ा आ रहा है? आज तो हमारे न्यू शूज़ भी पहने हुए हैं भाई साहब। चलो हमारा नेट तो नहीं है, चलो तुम्हारी मम्मा के पास वीडियो भेजेंगे, चली जाती तो। रुको इधर देखो, चलो अभी बाय बाय करो। यहाँ पे आज हमारे घर बने कद्दू, तो वो कद्दू का सालन बना और मुझे भी अभी लग रही है भूख, तो है ना बस ले चलते हैं थोड़ा सा खाना खाते हैं। और बहुत ही ना क्या कहते हैं, बस पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, बिल्कुल ताकत हिम्मत नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी हिम्मत मेरी ताकत। यहाँ पे ना बन रही मेरी मज़ेदार सी चाय और मेरा बाजू भी जल गया भाई, चाय से जला है बाजू मेरा। चाय हमारी हो चुकी है रेडी, तो बस अभी लेके चलती हूँ पापा के पास और पीते हैं। यहाँ पे है ना हम लोग देख रहे हैं मरजावा मूवी, जो कि मेरी फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो है ना अभी है ना हम लोग देख रहे हैं, बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा यही मूवी देखते हैं। अभी हमारे घर बन चुका है मैंगो शेक, एक ये जग बनी है, एक ये दो जग, आज लगता है तीन तीन ग्लास सबके हिस्से में आने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आज बना है भाई। वाह दुआ, ये किसके हैं? तो इतना प्यारा गिफ्ट आया है अप्पा का भाई, ये चादर है और ये पंखा इतना प्यारा बना हुआ है। अब बच्चे कह रहे मैं, वो कह रहे मैं, दे दो मीर, दे दो उसको, दे दो प्लीज़। अभी फिर से बन चुकी है हमारी चाय और जो कि हमारा डेली काम है, कुछ देर बाद चाय पीना, तो चाय पी जा रही है। आ रही है ना यहाँ पे लाइट जा चुकी है और बहुत देर हो गई है, पता नहीं हमारा क्या होगा। और शुक्र है बैटरी वाला पंखा है, रोज़ है ना बैटरी चार्ज कर लेते हैं तो ना चल जाता है, तो अल्लाह करे आ जाए। रात भी गई थी, अब फिर गई, अब डेली मतलब जाने लग गए। जी जी ये टूट गया है, चलो बनाओ इसको, बनाओ खा रहे हो। ये क्या है? माजू मैंगो। अच्छा तो मैंगो बोलना नहीं आता आपको? दुआ भी खा रही है? दुआ क्या खा रही है? यहाँ पे भाई ये लोग खा रहे हैं जबरदस्त सा मैंगो, नाम नहीं दोनों ले रहे इसका। लाइट नहीं, ऊपर से ये धूप देखें, खिड़की पे आई है बिल्कुल सामने ना, अपने ना कहर बरसा रही है धूप, और है ना लाइट भी नहीं है, पता नहीं कब आएगी लाइट। कसम से बहुत तंग किया हुआ है इसने, पहले जाती नहीं थी और अब आती नहीं है। गर्मी में ये भी सो रहा है तो बिल्कुल डिस्टर्ब होके सो रहा है, बार बार हिल रहा है, कर रहा है, क्या करें भाई। मैंने कहा गर्मी अब है तो है, अब ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है हमने बिना लाइट के, क्योंकि लाइट ने तो अब लगता है कसम ही खा ली हमेशा ऐसे ही रहना है। और यहाँ पे फादिया अपने लिए बना के लाई है टैंक ठंडी, और है ना गर्मी का जुगाड़ कर रही है बच्ची। अच्छा है चलो जूस, रुको नहीं मैं नहीं पी रही, आपने टैंक बहुत ज़्यादा डाली हुई है, मैं इतनी नहीं पीती, तू सी डाली है, मैं फिर भी नहीं पीती। क्या लगता है लाइट कब आएगी? डेढ़ घंटा तो हो गया नहीं आई, अरे अल्लाह ना करे। और ये देखिए ये चल रहा है बेचारा, तुम मत ही बोला करो प्लीज, जब भी बोलती हो गंदा ही बोलती हो लाइट के बारे में। ये नहीं बोल रही कि बस अभी आ जाएगी, कुछ हौसला नहीं दे रही, खैर नहीं तीन घंटे जल्दी होते हैं, कोई हाल नहीं तुम्हारा फादिया। अच्छा थोड़ा सा इसको भी बचा के देना जूस, ओके ओके। तो यहाँ पे जैसे लाइट नहीं थी ना, तो हमने सोचा मूसा साहब को नहला लेते हैं, और इतना रोया अल्लाह पता नहीं क्या है बच्चों को, हालांकि गर्मी है मज़ा आता है लेकिन नहीं। तो खैर अभी है ना इसे पहनाते हैं कपड़े, अभी चुप हुआ है तो कपड़े पहना लें। और अब इनके काम देखो, पूरे बेड के है ना चादर ख़राब कर दी है। ओ ध्यान 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 से ध्यान से ध्यान से दोनों। अच्छा अच्छा ठीक है। और यहाँ पे इसे नहला के रेडी कर दिया, और उस बेचारे के ना इतनी गर्मी है कि बस यही ड्रेसिंग रह गई है, बनियान नहीं पहनता है, तो है ना एक उतारते हैं दूसरी पहनाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि एक ही पहनी हुई है। और अभी 5:30 भी बज चुके हैं तो लाइट का कोई अता पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। और यार शुक्र है लाइट आ गई और हमारे घर शोर पड़ गए, ऐसे खुशी की लहर आ गई, एक बाहर से आ गई हमारे घर में कि लाइट आई है। यहाँ पे देखिए टाइम हो चुका है ऑयलिंग का। क्या हुआ फादिया? से गर्दन पकड़ो मत, वो इसीलिए वो कर रहे हैं। हाँ ऐसे चलो डालो, देखो वेरी गुड। मीर मजा आ रहा है?
अच्छा अच्छा बस। और भी हमारी बहुत ही प्यारी सी आंटी है, उन्होंने ना अचार डाला था, अचार बनाया खुद ही, तो है ना आज वो आई थी हमें देने और बहुत ही मज़े का, बहुत ज़बरदस्त। अभी मतलब पूरी तरह रेडी नहीं हुआ है, तो आम भी है, मिर्ची भी है और लहसुड़ा और ये फली, तो खैर इसका अचार आंटी के हाथ में, वाह क्या जायका है, माशाल्लाह बहुत मज़े का। आज हमने ना खाया भी है थोड़ा सा, और वैसे भी आंटी के हाथ के पहले भी टेस्ट किए हुए खाना बहुत यम्मी बनाती हैं, बहुत मज़े का बनाती हैं। तो उन्होंने अचार डाला था तो स्पेशली आज देने आई थी, तो बहुत ही मज़े का था, और उनका बहुत शुक्रिया कि इतना मज़े का अचार दिया उन्होंने, याद रखा है भाई। अब चीज बात अचार की नहीं है, बात है दिल की, कि उनका दिल माना कि उन्होंने ना सोचा हमारे बारे में और हमें दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो खैर बहुत ही मज़े का अचार बना हुआ है। और ये जो उस दिन देखे मैं सदर से ना जूता लाई थी ये घर पहनने के लिए, ये देखे ये मिट्टी के काम है, इसने क्या किया है, पूरा खा गया। मैं क्या करूँ कसम से, यहाँ पे तो जूते भी नहीं बच रहे, मैं क्या करूँ, सारे मसले मेरे साथ ही हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा करते। पहले भी मेरी एक दो जूतियाँ खा गए, मैं चुप हो गई, वो तोते ने खैर खाई थी मिट्ठू ने, और ये मिट्टी के काम है, क्या बंदा करे। तुम्हें क्या दुश्मनी है, क्यों मेरा जूता खाया है, हाँ अभी तो मैं लेके आई थी, क्या है तुम्हें मसला क्या है, मुझे क्यों गुस्से से देख रही हो, जूता मेरा तुमने खाया है। मासूम अब देखें बनी हुई चुप करके बैठी है, वरना इतना शोर करती है ना, मेरा जूता का आगे गंदी। तो यहाँ पे मैंने नमीर साहब को नहला दिया था, नहलाने के बाद ना इसको सुला दिया, तो थोड़ी देर ये सो गया, गर्मियाँ बहुत हैं तो शुक्र है बच्चे भी अब खुद ही गर्मी से ना तंग होके निडाल होके सो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मेरे साहब सो चुके हैं, तो अभी चलते हैं कुछ और कर लेते हैं काम वगैरह। यहाँ पे ये रात का टाइम है, हमारा डिनर हो रहा है, और ये मेरा डिनर चेक करें, आपने है ना अभी बनाया, तो बस अभी यही खाते हैं। चलें जी, तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल है ना नए व्लॉग के साथ। और क्या कहते हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि बाबर व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, तो भाई वहाँ पे है ना नेटवर्क का बहुत इशू है, नेट तो बिल्कुल चलता ही नहीं, सिग्नल वगैरह नहीं होते, तो हम भी काफ़ी परेशान रहते हैं, बात पूरा दिन नहीं होती, रात को कहीं जाके एक आध है ना मैसेज आए जाए तो आए जाए, वरना वो भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बात नहीं हो रही हमारी भी, तो एक आध बार वो जहाँ देखते हैं कि हाँ थोड़े नेटवर्क हैं सिग्नल वगैरह हैं, तो जल्दी जल्दी है ना या तो कॉल कर लेते हैं या मैसेज कर देते हैं कि इस तरह है तो हम यहाँ पे हम ठीक हैं, तो अपनी खैरियत दे देते हैं। लेकिन हम सब यहाँ पे बहुत परेशान होते हैं कि ना जब बात नहीं होती कि क्या हुआ, पता नहीं ठीक हैं कैसे हैं क्या कर रहे हैं, तो बात क्योंकि नहीं हो रही, तो खैर बस दुआ करें कि ना अल्लाह पाक खैर करें। तो बस है ना व्लॉग भी बस इसी वजह से उनके नहीं आ रहे, और ना बाकी शुक्र है ठीक है, बस एक आध मैसेज रात को है ना देर से करके वो अपनी खैरियत दे देते हैं, क्योंकि जब फ्री होते हैं और वहाँ होटल पे जाते हैं तो क्योंकि एक ही वाईफाई होता है होटल पे, तो काफ़ी आपको पता है लोग होते हैं, तो जिसकी वजह से ना जब शायद सब सो जाते हैं तो फिर है ना थोड़ा बहुत वाईफाई भी काम करता है, तो है ना मैसेज आता है तो फिर वो कर देते हैं कि हाँ हम लोग ठीक है अपनी खैरियत देते हैं, वरना हम भी बहुत परेशान रहते हैं। और क्या कहते हैं, हमज़ा भी बहुत माशाल्लाह खुश है, उस वो तो कह रहे हैं हम लोग घर भी वहीं पे लें, यहाँ पे ना नहीं रहना है कराची में, तो कल बात हुई तो वो भी कह रहे हैं मम्मा यहाँ पे घर लेते बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैंने कहा हाँ बच्चा और तो कोई काम नहीं, अब वहाँ जाके घर लें जहाँ पे ना नेटवर्क ना कुछ, और है ना चीज़ें भी वहाँ पर है ना डबल महंगी, जो यहाँ पर मतलब 70-80 की है ना कोई 7-Up वगैरह मिलती थी, वहाँ पे 350 की, और बाबर कह रहे रात उन्होंने इंग्लिश टी ली तो 250 की, और तो इतनी ज़्यादा मतलब महंगाई है वहाँ पे, क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो बेचारे ले जाते होंगे इतनी मुश्किल से सामान वगैरह, तो वो फिर आगे महंगी ही देते होंगे, तो चीज़ें वगैरह भी वहाँ पे बहुत है ना एक्सपेंसिव है। तो खैर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।